एंटी टेक्स जिसमें 1322 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है, 1293 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। एचसीएल टेक, यहाँ पर प्रमोटर ने 75 लाख शेयर खरीदे हैं, 895 का टारगेट, 882 का स्टॉप लॉस। ग्लेनमार्क को यूएस एफडीए से फॉर्म 483 जारी हुआ है एक प्लांट के लिए और 5 आपत्तियां मिली हैं, आज टूट सकता है तो 520 का लक्ष्य देखकर बेचें और 536 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। सीजी पावर इस स्टॉक में ऑर्डर इनफ्लो की खबर है, 57 का टारगेट रखें स्टॉक पर, खरीदारी की जा सकती है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में शेयर विभाजन को मंजूरी दी है शेयर होल्डर्स ने, आज के सत्र के लिए खरीदते हैं तो 3280 का लक्ष्य होगा, 3238 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। मैक्लॉयड रसेल और अपोलो टायर्स, ये दोनों ही स्टॉक्स निचले स्तरों से हो सकता है कि आज के सत्र में पलटे, अच्छी खरीदारी हो सकती है। इनफैक्ट टायर स्टॉक्स को फोकस में रखना होगा, कल अंतिम एक घंटे में अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई थी। एडीएफ फूड्स खरीदारी करेंगे तो 252 का लक्ष्य है, 244 का एक स्टॉप लॉस। और मुथूट फाइनेंस का डेरिवेटिव मार्केट में आंकड़े काफी बेहतर थे, अब 386 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। गोदरेज कंज्यूमर्स इसलिए क्योंकि मॉर्गन स्टेनली की पॉजिटिव रिपोर्ट है, 1154 का लक्ष्य आज के लिए और 1128 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। मेरी तरफ से पहले जो 10 शेयर है उसमें पीवीआर है, रजनीकांत की जो मूवी है काला कल रिलीज हो रही है, अगले हफ्ते रेस रिलीज होगी, इसका फायदा इसको मिल सकता है 1350। आरसीएफ, एक आज नितिन गडकरी की अहम बैठक है मेथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर, कोई फैसला हो सकता है। आरसीएफ देश की दूसरी बड़ी कंपनी मेथनॉल बनाने की, सीएट के अंदर कल आखिरी घंटे में एक अच्छा वॉल्यूम आया था, आज इसका मूव देखने को मिल सकता है। टाटा मोटर्स डीवीआर में जीएलआर की बिक्री के आंकड़ों का एक ट्रिगर है और साथ ही साथ टर्न अराउंड टू प्लान उन्होंने शुरू किया है, इसका फायदा मिल जाएगा। ईपीएस कंटेनर कॉर्पोरेशन कल आखिरी घंटे में अच्छी मूविंग एवरेज के साथ इसने क्लोजिंग दी है। हिंदुस्तान कॉपर पे खनन की मंजूरी, 700 करोड़ का एक्सटेंशन प्लान का फायदा। टाटा ग्लोबल पे लगातार जो तेजी बनी है, कल के एवरेज को पार किया इसने, इसका फायदा इसको मिल जाएगा। मारुति के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस है, कल शॉर्ट कवरिंग थी, आज ताजा खरीदारी के साइन दिख रहे हैं, 1800 के ऊपर आज और चल सकता है। एसकेएफ इंडा और भारत फोर्ज, ये दो और शेयर होंगे जो कि ऑटो और ऑटो एंसिलरी से जुड़े हुए हैं। एसकेएफ के अंदर ट्रक एट की बिक्री और भारत फोर्ज के अंदर और एसकेएफ के अंदर आज तेजी का एक मूव देखने को मिल सकता है, एक बड़ा ऑर्डर का बज इसके पास है, 1820 का टारगेट होगा। तो 20 शेयरों की सूची पूरी हुई है, उम्मीद करते हैं ये बेहतर शेयर आज आपके काम आएंगे। आज बैंकिंग और नॉन बैंकिंग के बीच में अलग अलग आपको डिवीजन भी दिखेगी, आज इसका फायदा उठाइएगा जो नॉन बैंकिंग वाले शेयर 20 शेयर हमने आपके सामने रखे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद रणवीर सिंह भी आपके साथ जुड़ने वाले हैं, साथ ही दीपाली राणा होंगे, जानेंगे कि ग्लोबल मार्केट से इस समय क्या संकेत है, उसका क्या मीनिंग है, एफआईएसडीआई क्या कर रहे हैं और इस समय क्या रणनीति बनाई जाए, क्या आज बैंकिंग स्टॉक्स में जाया जाए या फिर नॉन बैंकिंग में, इंडेक्स को लेकर आसान भाषा में रणनीति समझेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद शेयर बाजार लाइव में, नमस्कार।